TFMS DBT इशराज पर बेनिफिशियरी ऑफ इशराज की जगह अपडेट करके बता रहे, और किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट का जो बेनिफिशियरी इशराज है वहां पर EKYC ES आ रहे, लैंड सेडिंग ES आ रहे और आधार सेडिंग भी ES बता रहे। लेकिन ये जो लाभार्थी है, लाभार्थी को सब कुछ सही है, उसके बाद भी खाते में पैसा नहीं आया। इन लाभार्थियों का सब कुछ सही होने के बाद भी TFMS DBT इशराज पर अपडेट होने के बाद भी अगर आपको पैसा नहीं मिला तो इस वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम जानेंगे जिन लाभार्थियों का अपडेट होने के बाद पैसा नहीं आ रहे उन सभी लाभार्थियों को पैसा कब तक मिलेगा और पैसा पाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम ये जो लाभार्थी, ये जो किसान है, ये किसान का इशराज को लेके आपको वेरीफाई करूंगा, उसके बाद आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा और उसके बाद में लास्ट में आपको मैंने बताऊंगा कि अभी आपको क्या करना होगा। सबसे पहले मैंने आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि यह लाभार्थी का सब कुछ सही है, पेमेंट भी आने वाला था, उसके बाद भी पैसा नहीं मिला। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट पर जाके आप आपका इशराज को चेक कीजिएगा। मैंने अभी ये वाली जो किसान है, ये किसान का इशराज को चेक करूंगा, आप भी ये किसान के इशराज के साथ मैच कीजिएगा कि लैंड सेडिंग 81 आधार सेडिंग सही है, उसके बाद भी देखिएगा ये किसान को पैसा नहीं मिला। तो दोस्तों मैंने भी ये किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लिया है, नोट करके किसान सम्मान निधि योजना का जो वेबसाइट है वेबसाइट पर अभी मैंने विजिट किया है। आप सभी को भी वेबसाइट पर आके फार्मर कॉर्नर पर आके नाउ योर इशराज पर क्लिक करना होगा। दोस्तों वीडियो के साथ साथ आप भी अपना इशराज को चेक कीजिएगा। तो दोस्तों नाउ योर इशराज पर क्लिक करने के बाद और एक पेज ओपन होगा, इस पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर को पेश करना होगा। मैंने भी मेरा सब्सक्राइबर का रजिस्ट्रेशन नंबर पेश कर दिया है। अभी आपको क्या करना होगा, ये जो कैप्सा है कैप्सा ये पर डालना होगा, कैप्सा डाल के आपको गेट OTP पर क्लिक करना होगा। गेट OTP पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का OTP मिलेगा। अभी आपको मोबाइल OTP के जगह 4 अंकों का OTP डाल के गेट डाटा पर क्लिक करना होगा। करने के बाद किसान सम्मान निधि योजना का जो भी बेनिफिशियरी इशराज है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इशराज पर आने के बाद सबसे पहले आपको इशराज लास्ट अपडेट कब हुआ था इसका डेट मिलेगा, उसके बाद पार्सल इन्फॉर्मेशन में आना होगा। पार्सल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद आप लोग चेक कीजिएगा कि इसमें मोबाइल नंबर शो कर रहा है कि नहीं, ये लाभार्थी का मोबाइल नंबर शो कर रहा है। जिन लाभार्थियों का मोबाइल नंबर शो नहीं कर रहे उन सभी लाभार्थियों का अलग बजाए, लेकिन जिनका मोबाइल नंबर शो कर रहे उन सभी लाभार्थी को एलिजिबिलिटी इशराज को वेरीफाई करना होगा। एलिजिबिलिटी इशराज पर देखिए लैंड सेडिंग 21 और आधार सेडिंग 3 पॉइंट सही है। उसके बाद देखिए लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स को फॉलो करना होगा। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स की बात किया जाए तो यह लाभार्थी का देखिए FTO प्रोसेस ES है और पेमेंट इशराज पर कोई भी अपडेट नहीं हुआ है। इंस्टॉलमेंट के मुताबिक 13 इंस्टॉलमेंट बता रहे। अभी भी देखिएगा यह लाभार्थी का 14 इंस्टॉलमेंट के जगह भी FTO प्रोसेस ES है और 14 इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल करके बता रहे, और ट्रांजेक्शन फेल होने का रीजन भी इसमें बता रहे कि पार्टिसिपेंट नॉट मैप्ड टू द प्रोडक्ट। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम्स है ये NPCI की वजह से होता है, लेकिन ये अलग मैटर है। लेकिन अभी आपको क्या चेक करना है, ये लाभार्थी का सब कुछ सही है, उसके बाद भी ये किसान को मतलब ये लाभार्थी को 13 नंबर का इंस्टॉलमेंट को लेके 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट ये लाभार्थी को नहीं मिला। अभी हम PFMS इशराज पर जाके पेमेंट डिटेल्स को चेक करेंगे और बेनिफिशियरी इशराज को चेक करेंगे, उसके बाद ही मैं लास्ट में बताऊंगा कि जिन लाभार्थियों को PFMS इशराज अपडेट होने के बाद भी पैसा नहीं मिला उन सभी लाभार्थियों को क्या क्या चेंज करना होगा, क्योंकि आने वाला टाइम में पैसा आपको एक साथ मिल जाए। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, कोई भी इंटरनेट ब्राउजर में चार्ज करना होगा PFMS। PFMS चार्ज करने के बाद सबसे पहली वाली जो लिंक मिलेगा PFMS.NIC.IN ये ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। करने के बाद ये 3 लाइन पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले तो मैंने ये किसान का A to Z वेरीफाई करके आपको दिखाऊंगा, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि यह लाभार्थी को क्या चेंजेस करना है और आपको भी क्या चेंजेस करना होगा। तो दोस्तों अभी आपको पेमेंट इशराज पर क्लिक करके DBT इशराज स्टे कार्ड पर क्लिक करना है, उसके बाद देखिएगा इसमें कैटेगरी बताया जाएगा। कैटेगरी में आपको PM किसान सेलेक्ट करना होगा। PM किसान सेलेक्ट करने के बाद अभी आपको मैं सबसे पहले चेक करके बताऊंगा कि बेनिफिशियरी वैलिडेशन, क्योंकि बेनिफिशियरी वैलिडेशन सही होगा उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैंने बेनिफिशियरी वैलिडेशन तो क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों अभी एंटर एप्लीकेशन ID की जगह आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करना होगा, जिस रजिस्ट्रेशन नंबर से PM किसान का इशराज आपने चेक किया था। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने अभी डाल दिया है, आपको भी डालना होगा। उसके बाद इसमें जो भी कैप्सा यहाँ पर डालना होगा, डालने के बाद सिंपली आपको चार्ज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
करने के बाद बेनिफिशियरी वैलिडेशन का जो भी इशरास है ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने बेनिफिशियरी इशरास तो ओपन कर लिया है, देखिए इसमें बेनिफिशियरी डिटेल्स बता रहे और ये लाभार्थी का बेनिफिशियरी डिटेल्स में इशरास और बेनिफिशियरी की जगह अपडेट बता रहे। अपडेट कब हुआ था, देखिए ये लाभार्थी का डेट भी इसमें मेंशन कर रहा है कि 11 सितंबर 2024 के डेट पर यह लाभार्थी का अपडेट हुआ है। उसके बाद देखिए यह लाभार्थी का दोबारा अपडेट हुआ है, अपडेट का डेट इसमें क्या बता रहे, 11 अक्टूबर 2024 उसके बाद भी अपडेट हुआ है। उसके बाद देखिए दोबारा यह लाभार्थी का अपडेट हुआ है 24 अक्टूबर 2024, मतलब यह लाभार्थी का काल की डेट पर भी अपडेट हुआ था। तो दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना में यह लाभार्थी का अपडेट का ऊपर अपडेट हो रहा है, लेकिन मैंने बताया था कि जिन लाभार्थियों का डीबीटी इशरास पर बेनिफिशियरी और इशरास की जगह अपडेट बता रहे उन सभी लाभार्थियों को खाते में पैसा दिया जाएगा, लेकिन यह लाभार्थी का बार बार अपडेट होने के बाद भी खाते में पैसा नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे यह भी हम चेक करेंगे। अभी आप सभी को क्या करना होगा, ऊपर की तरफ आके पेमेंट वाली ऑप्शन को चेक करना होगा। ये किसान का मैंने अभी पेमेंट चेक करूंगा क्योंकि ये लाभार्थी को पैसा मिला कि नहीं इसका फाइनली जानकारी मिलेगा पेमेंट वाली ऑप्शन पर। मैंने भी पेमेंट पर क्लिक कर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक डालना होगा, डाला होगा। तो अभी आपको क्या करना है, कैप्शा नया डालना होगा, डाल के चार्ज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चार्ज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पेमेंट डिटेल्स ओपन हो जाएगा। अभी देखिए लाभार्थी का पेमेंट डिटेल्स ओपन हो चुका है। पेमेंट डिटेल्स की बात किया जाए तो 13 नंबर का इंस्टॉलमेंट यहाँ पर शो कर रहे और 13 नंबर का जो इंस्टॉलमेंट है अप्रूव हुआ था जून की 15 2024 के डेट पर और ये लाभार्थी का क्या बता रहे, पेमेंट फेल। और पेमेंट फेल होने का रीजन बता रहे, पार्टिसिपेंट नॉट मैप्ड टू द प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट की जो इशरास है वहां पर भी बता रहा था और इसका प्रॉब्लम ये बता रहे कि एनपीएस एक्टिव नहीं है। और ये किसान का डीबीटी जो इशरास अपडेट हुआ था सितंबर महीना में हुआ था, उससे पहले रिजेक्ट आ रहा था। यह अलग सा मैटर है कि 13 नंबर का इंस्टॉलमेंट ये लाभार्थी को नहीं मिला, इसके पीछे रीजन है कि एनपीएस डीबीटी मतलब अपने आधार कार्ड से सही एक बैंक अकाउंट पर लिंक नहीं था। लेकिन अभी हम दूसरे इंस्टॉलमेंट को चेक करेंगे। देखिए 14 नंबर का जो इंस्टॉलमेंट है सितंबर 19 2024 के डेट पर रिलीज हुआ है, मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट है ये इंस्टॉलमेंट भी ये लाभार्थी को नहीं मिला। और ना मिलने का रीजन क्या बता रहे, 14 नंबर का इंस्टॉलमेंट अप्रूव तो हुआ था 2000 की जो अमाउंट है, लेकिन ट्रांजेक्शन सक्सेस की जगह क्या बता रहे, दिखा रहे देखिए इसमें पेमेंट फेल हुआ है, ये भी पार्टिसिपेंट नॉट मैपेड टू द प्रोडक्ट करके बता रहे। सेम इशू है, सेम प्रॉब्लम है, लेकिन यह लाभार्थी को पैसा फाइनली नहीं मिला है। अभी मैंने बताऊंगा कि यह लाभार्थी के साथ मैंने क्या डिस्कस किया था। तो दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा पाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि नहीं बैंक अकाउंट अपने आधार कार्ड से लिंक करना होता है, लेकिन यह लाभार्थी का आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक था, अभी भी है। इसके लिए किसान का इशरास और बेनिफिशियरी की जगह अपडेट करके आ रहा है, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट है इंस्टॉलमेंट खाते पर नहीं आ रहे। और खाते पर नहीं आने का क्या रीजन है, यहाँ पर क्या बता रहा है, देखिए 14 इंस्टॉलमेंट रिजेक्ट कर दिया है 30 सितंबर 2024 के डेट पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, ये लाभार्थी का 14 इंस्टॉलमेंट कब रिजेक्ट हुआ है, सितंबर 30 तारीख 2024 के डेट पर। लेकिन दोबारा यह किसान का जो पेमेंट अप्रूव हुआ था कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2024 के डेट पर। और किसान सम्मान निधि योजना तरफ से लास्ट जो इंस्टॉलमेंट रिलीज हुआ था यह डेट बता रहे कि 5 अक्टूबर 2024 के डेट पर, मतलब यह लाभार्थी का जितने भी इंस्टॉलमेंट रिजेक्ट हुआ है यानी कि फेल हुआ है सभी इंस्टॉलमेंट दोबारा मिल जाएगा, सिर्फ एक ही काम करना होगा। अगर आपको भी इसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों क्या करना होगा, अगर आपका पेमेंट डिटेल्स ओपन नहीं हो रहे, इंस्टॉल्स और बेनिफिशियरी की जगह अपडेट बता रहे, आपको भी सेम ही काम करना होगा आपको पैसा पाने के लिए। तो अभी हम रीजन को चेक करते हैं, रीजन में क्या बता रहे, देखिए आईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी आईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल। तो दोस्तों इसके पीछे यह रीजन है कि अपने आधार कार्ड से सही एक बैंक अकाउंट पर लिंक नहीं है। अभी देखिएगा यह लाभार्थी के साथ मैंने जो व्हाट्सएप पर डिस्कस किया था वहां पर मैंने क्या बताया था। तो देखिए मैंने स्टार्ट किया था 13 और 14 इंस्टॉलमेंट मिला कि नहीं, उन्होंने बताया कि मुझे नहीं मिला। उसके बाद मैंने बता दिया कि कौन सी बैंक अकाउंट लिंक है और उन्होंने यह बताया कि पहले पेटीएम बैंक था लेकिन अभी आईडीबीआई बैंक। तो दोस्तों उसके बाद देखिएगा मैंने बता दिया कि जल्दी आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर लिंक करो, अगर आपका इशरास और बेनिफिशियरी की जगह अपडेट आ रहा है उसके बाद भी खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपके पास अभी भी टाइम है, अपने खाते में आपका जो खाता है ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर खुले और आपका जो आधार कार्ड है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से लिंक करे। तो दोस्तों आपको किसान सम्मान निधि योजना का पैसा पाने के लिए
ये मस्ट भी करना ही होगा, नहीं तो आपको 19 नंबर का इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए लाभार्थी ने मुझे काफी डिस्कशन किया है कि 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा ये लाभार्थी को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर खाता लिंक करने के लिए। अगर आपका भी इसी तरह कॉमेंट है दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन मोबाइल फोन की मदद से आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट खुला सकते हैं। तो दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना का पैसा पाने के लिए सभी को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर खाता खुलना ही होगा। और एक सवाल है दोस्तों, जिला लाभार्थियों का डीबीटी इशरास और बेनिफिशियरी की जगह अपडेट आ रहा है, उन सभी लाभार्थियों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर खाता खोल के वेट करना होगा। इसका पीछे क्या रीजन है, देखिए ये लाभार्थी का 11 सितंबर में अपडेट हुआ था, 11 अक्टूबर को अपडेट हुआ है, उसके बाद देखिए लास्ट 24 अक्टूबर को अपडेट हुआ है। इसके पीछे यह रीजन है कि ये लाभार्थी का बैंक अकाउंट सही नहीं है, बैंक अकाउंट की तरफ से पीएफएमएस एक्सेप्ट नहीं दे रहा है, एक्सेप्ट ना होने की वजह से यह लाभार्थी का बार बार अपडेट हो रहा है और पीएफएमएस का जो अपडेट है यह लाभार्थी को और भी होगा। अगर आपका भी इसी तरह प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप जल्दी अपना जो अकाउंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर खुलिएगा। अभी आप सबको कमेंट करके बताना होगा कि आपका कौन सी बैंक अकाउंट लिंक है, आपका इशरास पर क्या प्रॉब्लम बता रहा है, कितने नंबर का इंस्टॉलमेंट आना बाकी है। तो दोस्तों हम कमेंट की मदद से डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।